राधा साहब ने ऑर्डर किया। अरे नहीं नहीं नहीं, उस होटल के मैनेजर के साथ मेरा 36 का आंकड़ा चल रहा है। तू तो फिर और कहीं चले जा, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज सब लेके आ। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था अगर मनी ऑर्डर नहीं आया तो। यू शट अप इडियट डोंकी अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड रूथलेस रास्कल। तू जानते आज खाने पर कौन आ रहा है? हाँ? भयंकर की आंटी, भयंकर की आंटी साले, रानी साहिबा बोल। अगर वो तेरे काम से खुश हो गई ना तो वो अपने गले से मोतियों का हार निकाल कर तेरे ऊपर फेंक। नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ अगर नहीं फेंकी तो। अबे फेंकेगी कैसे नहीं, अपने भयंकर की आंटी है यार, तू खड़े खड़े लखपति हो जाएगा। जब देखो मनी ऑर्डर करता रहता है। चाची, अबे तू उंगलियों को क्या देख रहा है? तो मेरा काम कर, तेरे हाथ की उंगलियों तक क्या, तेरे पाँव की उंगलियों में भी अंगूठिया पहना दूंगा। नहीं नहीं, मैं अबे तू सोचता होता यार, करना यार। लगता है मैं किसी गलत घर में आ गया। अरे गोपी, गोपी आवाज तो जानी पहचानी लगती है, कौन है आप लोग? अरे यार मैं अभयंकर। अभयंकर? तू इतना भयंकर? अरे नहीं यार, हम लोग घर की साफ सफाई कर रहे थे यार। तू कौन, राजा है क्या? हाँ। अरे तुम लोगों का यह हाल हो गया कि तुम लोग अपने घर में नौकर का काम कर रहे हो? तुम्हारा यह हाल है तो मेरा क्या होगा यार? अरे नहीं यार, मैंने बताया था ना आंटी, वो आने वाली है। कौन, वो बटाटे की महारानी? अरे नहीं नहीं, बटाटे की नहीं, कांदे की। हाँ वही कांदा बटाटा, उसी को मस्का मारने के लिए तुम लोग इतनी साफ सफाई कर रहे हो? अरे नहीं, मस्का मारने के लिए नहीं, उनके स्वागत के लिए। वैसे हम दोनों ने चिट्ठी लिखकर उन दोनों को भी बुलवा लिया है। हाँ दोनों उनको। अच्छा भाई, ऊंचा नीचा? नहीं नहीं, ऊंचा नीचा। हाँ भाई। अरे यार 10 दिन में तू सब भूल गया। क्या बताऊं भयंकर, लाइफ में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोज एक नया ट्विस्ट, नया टर्न, शहर शहर मारा फिर रहा हूँ, समझ में नहीं आता क्या होगा। एक नया नाटक में एक नया रोल मिला है, उसी के ड्रेस और मेकअप के लिए ट्रायल लेना चाहता हूँ। तुम तो जानते हो घर में भाभी घुसने नहीं देती, जरा हाथ में धो लेता हूँ। अभी तू रोल कौन सा कर रहा है यार? रूप की रानी का। ओहो, इसका मतलब तू लड़की बनकर फिर बिजली गिराएगा? अबे बिजली तो मेरे दिल पर बार बार तब गिरती है जब मैं लड़की का रोल करता हूँ, मेरी शान के खिलाफ है यार। मेरे को कोई लख रुपए भी देना तो मैं लड़की वड़की का रोल नहीं करूँ यार। मैं लाइफ में डिफेक्ट आ सकता है यार। बाथरूम का इधर साफ किया कि नहीं तुमने? अबे तेरे पकड़। पोस्टमैन, टेलीग्राम। आजा आजा आजा, इतना जल्दी मनी ऑर्डर आ गया? टेलीग्राम। बुला गया एक मिनट, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है आंटी इज नॉट कमिंग। अच्छा अच्छा, आंटी इज नॉट का। हाँ? सुनो सुनो सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आंटी नहीं आ रही है। अच्छा, आंटी नहीं आ रही। मर गया क्या? मेरा तुम लोगों के अलावा है ही कौन जो मर जाएगा? तुम लोगों के लिए बैड न्यूज। अबे क्या बैड न्यूज, मेरी तरफ उंगली दिखा रहे। अबे सब मेरे को मर गया क्या? शायद अंगूठी के बारे में कुछ कह रहा है। अंगूठी निकली थी, नहीं आ रही है। कौन कौन नहीं आ रही है? आंटी हमारे साथ क्यों होते बार बार यार? अबे तेरी आंटी साली बहुत भाव खाती है, जब देखो गुलाटी मार जाती है। अबे इससे पहले आंटी ने आने का कब वादा किया था? पहली बार तो वादा किया और पहली बारी कल्टी मार दी। उन दोनों लड़कियों को क्या शक्ल दिखाएंगे हम? वो दोनों लड़कियां अपनी अंकल से इतना डरती हैं, कहीं उनको पता चल गया ना कि आंटी नहीं आ रही तो उल्टे पैर गालियां देती हुई निकल जाएंगी और दोबारा आने का नाम तक नहीं लेंगी। भयंकर, अबे क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपने कद को और घटा रहा है? आ गई। कौन कौन? आंटी राजा। उषा अभी निशा, कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल ठीक। निशा आओ ना, तुम्हारी आंटी जी महाराज आ गई। आंटी? आंटी जी तो आ जाएंगी, तुम लोग बैठो तो सही। नहीं नहीं, हम पहले उन्हीं से मिलना चाहते हैं, बल्कि हम उनसे ही मिलने आए हैं अभी। बताओ कहाँ है आंटी? आंटी तो, आंटी तो क्या मतलब है, वो आई नहीं क्या? पता नहीं आंटी को अचानक क्या हो गया। Shut up! तुमने हमें फिर से धोखा दिया है। अभी हमें यहाँ बुलाने के लिए आंटी का बहाना लिया, अब हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। निशु निशु प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। तुम लोग समझते नहीं हो, अगर अंकल को पता चल गया तो वो हमारी खाल उधेड़ देंगे कि हम लड़कियाँ अकेले छड़ों के घर में कैसे चले आए। हम जा रहे हैं। अरे एक मिनट एक मिनट, अबे यार तेरी आंटी तो आई है ना?
मेरी आंटी। तेरी आंटी यार? कौन है ये? हाँ, मेरी आंटी महारानी ऑफ कांदा। आंटी आओ बच्चियों, माँ बदलत के गले लग जाओ। निशा, 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 इनसे मिलिए। शेरनी हिंद, कुतुब मीनार सिंह, दीवाने खास, दीवाने आम, इनके सामने सर झुकाना जनता का है काम। हर हाइनेस कनक देवी ऑफ कांदा, जलवा अफरोज है, फर्जी सलाम बजा लाते हैं। हाँ, रहने दो, रहने दो, आओ माँ बदलत के गले लग जाओ। तुम लोग दोनों इतनी छोटी हो, सुंदर हो, तुम लोगों को प्यार करने के लिए यही दोनों मिले थे क्या? रानी साहिबा, हमें आपकी रियासत देखने की बहुत इच्छा है, आप कब हमें अपनी रियासत मिले चलेंगी? अरे पगलियो, तुम्हारा सब कुछ मेरी रियासत में ही होने वाला है। मेरे महल में ही तुम्हारा बाजा बजाऊंगी, हाथी पे निकालूंगी तुम्हारी बारात। कहाँ हो तुम लोग? क्यों रे राजा? हाँ जी, हाथी पे बैठा है कि कभी? नहीं तो गिर जाएगा। रानी साहिबा, ये आपकी रियासत कांदा है कहाँ? तुमको फांदा मालूम है? फांदा? इधर फांदा, इधर चांदा, इधर वांदा, बीच में कांदा। आपकी रियासत का नाम कांदा पड़ा कैसे? होशियार है हाँ दोनों? आओ बैठ कर बताती हूँ। कांदा का मतलब होता है प्यार, और हमारे गांव में कांदे के सिवा कुछ उगता ही नहीं। और कांदे के झाड़ कैसे मालूम? ये नारियल के झाड़ की तरह, और कांदे ये बड़े बड़े। आपके यहाँ कांदे झाड़ पे उगते हैं क्या? ये बड़े बड़े, लेकिन यहाँ तो जमीन के अंदर प्याज उगते हैं। अभी तो ये छोटे छोटे ऐसे कुछ भी। हाँ। वैसे आपके पतिदेव क्या करते हैं और आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे, पति, मैं क्या फौरन से आई हूँ ना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या है ना, इनके बच्चे होने से पहले इनके पति मर गए, मर गए। और उनके मरने के बाद मुझे बच्चे हुए ही नहीं। कर्नल अंकल, अंकल, अंकल आइए ना। वाह, ये साला हरामी लगता है। क्या बढ़िया फर्नीचर है। भाड़े के अंकल, खैर इनसे मिलिए। ये अपने भयंकर की आंटी हर हाइनेस कनक देवी ऑफ कांदा लंदन से आई है, और ये मेरे चाचा कर्नल डोगरा। किसका छोकरा? कर्नल डोगरा, योर हाइनेस, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हाँ, ये कर्नल डोगरा, मैं भी आपसे गले लगकर मिलना चाहती हूँ। अरे अपने चादनी है, हमारी रियासत में तो हमें जो भी पसंद आता है ना, हम उसे गले से लगा लेते हैं। हमारा टोमी रोज आकर पहले हमसे गले मिलता है, बाद में हड्डी खाता है। टोमी? टोमी कौन? हमारा कुत्ता है। आई सी। ऐसे खड़े जाएगा तो तुमसे भी ज्यादा हाइट हो जाएगी, मालूम है क्या? अभी सोचो, पप्पी की हाइट इतनी है तो अलसी सन की कितनी होगी? अंकल जी, मीट आवर क्लासमेट्स उषा एंड निशा। नमस्ते अंकल। हेलो उषा, हेलो निशा। योर हाइनेस, आप लंदन से कब तशरीफ लाए? भयंकर, कभी आई रे मैं? दो तीन दिन पहले। नहीं, पौने तीन दिन पहले। और लंदन में आप रहती कहाँ हैं? रहती कहाँ हूँ मतलब, महल में। किस महल में? एलिजाबेथ के। ओह, बकिंघम पैलेस। ऑफ कोर्स बकिंघम पैलेस, क्यों? वो क्वीन है तो क्या मैं क्वीन नहीं हूँ क्या? मैं भजवाली दिखती हूँ? नहीं नहीं, आप भी क्वीन ही लगती है। तो आपकी और एलिजाबेथ की काफी दोस्ती हो गई होगी, है ना? अरे दोस्ती का तो पूछिए ही मत। इंडिया के जितने भी प्रॉब्लम आते हैं ना, मैं नाश्ते में ही सॉल्व कर डालती हूँ, लंच का भी वेट नहीं करती। फिर तो बड़ा मजा आता होगा ना लंदन में? अरे मजे का तो तू पूछिए मत। आइए ना, बैठिए ना, मैं लंदन के बारे में बैठिए, मैं आपको लंदन के बारे में तबीयत से बताती हूँ। इतनी ठंडी पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है, क्या लालटन का घासेट भी जम जाता है। क्या बात कर रही हैं आप? हथौड़ा मार के बुझानी पड़ती है बत्ती, इतनी ठंड। एक बार तो मैं कुछ कहना चाह रही थी तो मेरे मुंह से शब्द की बजाय बर्फ के टुकड़े डायरेक्ट निकले, खड़ खड़ खड़। लेकिन सुनने वाले उसका मतलब कैसे समझते हैं? बर्फ तोड़ते हैं मतलब बाहर निकालते हैं, अपन बादाम तोड़ के कैसे खाते हैं। लेकिन फिर वहाँ नहाते कैसे होंगे? नहाते कौन है वहाँ पर? सब नहाने की गोली लेते हैं। चार गोली लाई हूँ, एक आपको दूँ? नहीं नहीं, मुझे गोली की कोई जरूरत नहीं। राजा जी, कम माय बॉय, राजा माय बॉय, ये जो पैसे मैं तुझे भेजता हूँ वो तो तेरे लिए बहुत कम पड़ते होंगे, है ना? वो कहना है चाचा जी, मैं आपको इसके बारे में लिखने ही वाला था। हाँ। लेकिन जब आपने कहा कि मनी नहीं है तो मैं ऑर्डर कैसे करता? पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं सोचा करता था कि एक ही क्लास में पांच पांच साल पढ़ने की जो तेरी एम्बिशन थी उसको पूरा करने के लिए शायद तुम्हारे रिटायर्ड कर्नल चाचा को कोई बैंक रॉबरी करनी पड़ती, है ना?
मगर आज महारानी साहिबा से मिलके मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस जिंदगी में मैं तेरे लिए कुछ कर सकूंगा। चाचा जी, ये कोई औरत है क्या? ये औरत नहीं है। मेरा मतलब ये हर हाइनेस महारानी। डोंट वरी माय बॉय, आई विल लुक आफ्टर हर हाइनेस एंड हर प्रॉपर्टी। अबे क्या हुआ? राय बहादुर नाम का एक आदमी आया हुआ है। हमारे चाचा जी आ गए, अब क्या होगा? अबे हम तो कहीं छुपा। मेरे होते हुए डरती हो तुम लोग? अरे मुझे देखते ही खतरनाक बुलडॉग भी बिल्ली बनकर मेरा पांव चाटता है। आने दो तुम्हारे चाचा जी को, देखो मैं उसको कैसा दिखाती हूँ। नहीं नहीं रानी साहिबा, आप हमारे चाचा जी को नहीं जानती, वो हमें यहाँ देख लेंगे ना तो कच्चा खा देंगे। क्या बात कर दी? निशा, निशा, कहाँ है? ओहो, बेगैरत, बेशरम, बेहया, तुम्हारी इतनी मजाल मेरे को पूछे बगैर तुम लुच्चों के घर में आ गए। चटक, तुम्हें घर चलो। मार मार के अगर तुम लोगों की खाली निकाल दिया तो मेरा नाम भी राय बहादुर बैल नहीं। कौन है ये बदतमीज जो हमारे सामने अपने मुंह को कचरे के डब्बे की तरह हिला हिला कर गंदगी गिरा रहा है? कोई नाल डोंगरे, इसका नाम नोट करो, मुझे भी गवर्नर को तार देना है। गवर्नर की धौंस किसको दे रहे? मैं भी कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, इस शहर का एक्स मेयर हूँ। अभी मैं गवर्नर को मिलको आ रहा हूँ। ये और बात उन्होंने मेरे को हकल दिए, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं गवर्नर को मिलको रहूंगा। बहेल नहीं, मेरा नाम बहेल है। मेरे को सींगा लगा रहे क्या? तुम कुछ भी लगाने के काबिल नहीं हो। अगर तुम हमारे राज हमारी रियासत में होते तो हम तुमको उल्टा लटकाकर फांसी लगा डालते। राज में रियासत? राय बहादुर, आपने इनको पहचाना नहीं? नहीं, कौन है ये? चाचा जी, आप है हर हाइनेस अनंत लक्ष्मी ऑफ कांदा मध्य प्रदेश है। चाचा जी, हर हाइनेस जी, जी। महारानी है जी। तुम सबका सत्यानाश हो क्यों? क्यों? अरे मेरे को पहले का क्यों नहीं बताई कि हर हाइनेस एंड योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, मेरी गलती की मेरे को भीख दे दे हो। भीख? पहले तमीज से बात करना सीख। ए बदतमीज, हाथ फैलाकर फड़ा रहे, मैं अभी एयरपोर्ट फोन करके आती हूँ। जी बहुत ठीक। एयरलाइन, हेलो पुलिस स्टेशन, मेरा लगेज कहाँ है? व्हाट? तुमको मालूम है कितना माल था मेरा उसमें? अगर घूम गया ना उल्टा करके इतने फटके मारूंगी। क्या घूम गया? देखो मैडम, कुछ नहीं देखने का है मेरे को तुम्हारा। मालूम है उसमें कितना माल था? $1,00,000 थे और 2 करोड़ पाउंड थे और 2 महल के पेपर थे। पाउंड डॉलर? लेकिन कहाँ है, किधर है? शट अप, कुछ नहीं देखने का मेरे को तुम्हारा। क्या हुआ रानी साहिबा? जिसके पास इतना माल हो उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी ना रहे तो उसको कितना खराब लगेगा। अमेरिका को मालूम पड़ेगा मेरा ये हाल है तो उसको कितनी तकलीफ होगी। लंदन में एलिजाबेथ को मालूम पड़ेगा तो मुझे ताबड़तोड़ फोन करेंगी। अरे हमारे गांव में तो ऐसे फकीर लोग भी करोड़पति होते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए रानी साहिबा, जो कुछ बंदे के पास है वो सब आपका। What do you mean? I mean कि आप जैसी ग्रेट लेडी अगर उनकी जेब खाली हो तो इस दुनिया में कोई भी मुसीबत आ सकती है। मगर फिलहाल आप ये हकीर नजराना नाचीज से कबूल कर लीजिए। कितने? 10,000। बड़े फकीर टाइप आदमी लगते हो, एक रानी को नजराना दिया वो भी 10,000 का। माफ कीजिएगा, इस वक्त बंदे के पास जेब में सिर्फ 10,000 थे। कल मैं आपके लिए 2,500 जाऊंगा। 25 कम है क्या? नहीं, बोलने में खराब नहीं लगता लेकिन 25। इनो क्या ला के देंगे रानी साहिबा? फकीर की झोली की तरह इनकी जेब खाली है, फूटी कौड़ी नहीं इनके कने। मेरे कने बहुत है, मैं ला के दूंगा आपको। क्या दोगे? 26। 26 ऐसा न को बोलो, मेरे को शर्म आती। चलो।